ओके तो पहले तो हमें समझना है ड्राइंग को ठीक से, कहाँ पे लाइट हमें छोड़ना है, कहाँ पे डार्क देना है, ये सब हमें पहले से ही प्लानिंग करना है, क्योंकि जब हम कलर को डालेंगे पेज में तो उस टाइम बहुत जल्दी से हो जाता है सब कुछ, तो उतना टाइम नहीं मिलता है डिसीजन लेने के लिए। तो जो भी आपका प्लानिंग करना है वो आपको पहले से ही करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो फर्स्ट टर्न है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैंने जो बेस कलर है सभी ऑब्जेक्ट की, जो घर है, जो पेड़ है, जो लैंड है, जो स्काई है, सबका जो बेस कलर है, जो लाइट लाइट जो कलर है उसी को मैंने डाला है। और हाँ, एक चीज़, जो फर्स्ट टर्न है वहाँ पे आपका पानी ज़्यादा यूज़ होगा, और धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में आपका पानी कम होता जाएगा, क्योंकि सेकेंड से में जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। एक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ड्राइंग, जिसके ऊपर वाटर कलर 90% डिपेंड करता है। अगर आपका ड्राइंग ठीक नहीं है तो आपका ब्रशिंग भी ठीक नहीं होगा, और अगर आपका ब्रशिंग ठीक नहीं है तो वाटर कलर उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा आपका।
मेरा जो पेंटिंग है ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे कलर जो है वो सूखने के बाद थोड़ा हल्का हो गया है, तो उसके ऊपर से फिर से दोबारा हमें कलर करना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा कहीं पे जो डिटेलिंग है उसको भी करना है।